Asalaamu As Alaikum everyone, how are you all? Uh, you are watching English Language and Learning, and uh, this is chapter 8 BSc English The Secret Life of Walter Mitty by James Turber. Okay, one thing I want to clear to every learner, to every listener across the world, is that my schedule of life is very busy. एंड एज़ फॉर एज़ माई डोमेस्टिक लाइफ एंड फॉर माई कॉलेज लाइफ इज कंसर्न आई एम फेसिंग अ वेरी बिजी स्कैल सो आई फेल टू मेक डेली वीडियो और अपलोड अ डेली लेसन सो आई जस्ट ट्राई टू डू द थिंग्स राइटली और फॉर माई स्टूडेंट द फोर्स बिहड इज दैट कि अगर किसी एक स्टूडेंट का भी इस वीडियो के जरिए या कुछ समझाने की वजह से थोड़ा सा भी फायदा हो जाता है Then that would be very good for me. Um, it's not the matter of money or like anything else, money making. I'm just helping my students. I just think uh, what I know, I just want to transfer to others, to as many people as I can. Because this is the thing that you will be watching whenever you need this. So, here things will be safe as well, and uh, you will be getting benefit from this as well. Um, okay.

इमेजिनेटिव लाइफ या बहुत ज़्यादा सोचना और सोचने में ही रहना एक थॉट से दूसरी थॉट पे जंप करना और अपने आप को बहुत से कामों को करते हुए देखना परफेक्शनिस्ट की तलाश में रहना और ख़ुद परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करना दीज आर द ऑल थिंग्स दैट सम हाउ वी थिंक कि हम ऐसा कर सकते हैं या हमें ऐसा ही करना चाहिए जब हम बहुत कुछ करना चाहते हैं इन दिस शॉर्ट टाइम इन दस लिमिटेड टाइम बट वी फेल टू डू दैट तो हम देखते हैं कि किस तरह जो सर वॉल्टर मिट्टी हैं वो अपने आप को कैसे इमेजिन करते हैं कि अभी मैं कमांडर हूँ कभी वो अपने आप को इमेजिन करता है या कभी उसे नज़र आता है कि वो अपनी वाइफ के साथ बहुत ही बिजी मार्केट में है और उसको बहुत से काम है और वो बहुत कुछ कर रहा है फिर वो अपने आप को एक परफेक्शनिस्ट डॉक्टर के रूप में देखता है कि वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर है और किस तरह वो पेशेंट्स को हेल्प आउट कर रहा है और ऑपरेट कर रहा है फिर वो अपने आप को एक मार्किट में देखता है देन वो देखता है कि वो कोर्ट में मौजूद है और उसके ट्रायल चल रहा है देन वो ख़ुद को देखता है कि वो एज आ कैप्टन जो है अपनी आर्मी को बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और ये जंग का टाइम है और उसका वहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फिर हम देखते हैं कि किस तरह वो इमेजिन करता है कि सब शोर वोल के बीच में उसकी वाइफ वापस आ जाती है और वो अपनी वाइफ के साथ वापस जाता है इन द लास्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो एक्चुअल सीक्रेट है मिट्टी की लाइफ का वो क्या है और वो क्यों इस तरह इमेजिन करता है अपने आप को कि कभी वो डॉक्टर है और कभी वो कमांडर है बिफोर गोइंग टू द कंक्लूजन और बिफोर गोइंग टू द लास्ट पॉइंट हम फर्स्ट से जो हमारे ये पॉइंट्स हैं किस तरह वो खुद को इमेजिन करता है वो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट वन इज कमांडर ऑफ हाइड्रो प्लेन वो एक मोटर बोट में है एक बहरी जहाज़ में है बड़े बहरी बेड़े के साथ है ख़ुद को ऐसे इमेजिन करता है कि वो नेवल ड्रेस में है और उसकी जो अपनी उसने कैप पहनी हुई है वो थोड़ी आर्क करके तिरछी करके उसने अपनी आँखों पे रखी हुई है और किस तरह से वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि उसका वहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो अपनी आ, उसे ऐसा लगता है कि उसकी जो मोटर बोट है वो एक तूफान में फंसने वाली है और एक लेफ्टिनेंट बर्ग है उसको वो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि इसके ताकत वाले बटन घुमा दो और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और एक जो वर्ड और शोर का जो लफ्स है पॉकिटा 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 ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है चैप्टर के अंदर जब भी वो कोई भी रोल देखता है तो ये इंसानी जहन के अंदर जो कशमकश है और इंसान जो आज मैकेनिकल लाइफ में घिरा हुआ है और इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में और मशीनों की दुनिया में तो उसके आवाज उस जहन के अंदर और कानों के अंदर ये आवाज़ें गूंजती रहती हैं जो उसके उसको सुकून नहीं लेने देती हैं तो ये एक उसको भी सिग्निफाई करता है सिंबलाइज करता है फिर तमाम जो वहाँ पे लोग हैं उनका ख़्याल है कि जो वॉल्टर मिट्टी है वो बहुत माहिर कैप्टन है वो इन सबको निकाल लेगा फिर हम देखते हैं सीन चेंज होता है उसकी इमेजिनेशन में और वो ख़ुद को देखता है कि वो अपनी वाइफ के साथ है वो सलोन के सामने जाते हैं जहाँ पे उसकी वाइफ ने हेयर ड्रेसर से अपने हेयर ठीक करवाने हैं कटिंग करवानी है और वो कह देखता है कि उसकी वाइफ उसे इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि वो शूज़ खरीद ले और जो उनका पपी है उसके लिए वो बिस्किट खरीद ले वो कहता है कि उसे शूज़ की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी उसे उसकी वाइफ याद करवाती करवाती है कि ये सीज़न चेंज हो रहा है और आप कमज़ोर हो गए हैं और आपकी एज ऐसी नहीं है कि आप वेदर को बर्दाश्त कर सकें सो आपने शूज़ जो हैं लॉन्ग बूट्स वो ज़रूर खरीदने हैं इस तरह जो है उसकी बीवी बिल्डिंग के अंदर चली जाती है वो उसको छोड़ देता है वहाँ पर ड्रॉप करता है और बेमकसद गलियों में घूमना शुरू कर देता है अपनी गाड़ी के ऊपर फिर हम देखते हैं कि उसकी इमेजिनेशन में और उसके माइंड में सीन चेंज होता है और वो खुद को एक ऑपरेटिंग रूम में देखता है जहाँ पे वो दूसरे डॉक्टर्स के साथ है और वो खुद को एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के तौर पे इमेजिन कर रहा है जहाँ पे दूसरे डॉक्टर्स उसके आने पे बहुत ज़्यादा खुश हैं दे आर वेरी हैप्पी टू रिसीव हिम एंड दे इवन कंग्रेचुलेट हिम फॉर राइटिंग अ वेरी बम्बास्टिक बुक ऑन मेडिसन्स कि उसने मेडिसिन के ऊपर बहुत ही बड़ी किताब लिखी है जिस पर एक डॉक्टर उसे मुबारकबाद देता है और वो बहुत हैप्पीली उसे रिसीव करता है अचानक से वो देखते हैं कि मशीन थोड़ी सी कोई ख़राब हो गई है उसकी तारों में और जो ऑपरेशन होने लगा होता है उसमें ख़राब हो जाती है सल वाल्टरमेटी फ़ौरन से मशीन तक जाते हैं और उसकी चमकती हुई सुइयों को अपनी उंगलियों को घुमाते हैं और फिर क्या देखते हैं कि उसमें से जो उसके पिन होल होते हैं वो निकाल के एक फाउंटेन पेन जो होता है वो उसमें निकाल दे लगा देते हैं फिर डॉक्टर्स को कहते हैं कि आप अपना ऑपरेशन जो है जारी करें और डॉक्टर्स कहते हैं सर वॉल्टर मिट्टी को इनवाइट करते हैं कि हम कुछ सही तरह से नहीं कर सकेंगे हमें आपकी ज़रूरत है इस तरह फिर वॉल्टर मिट्टी जो हैं वो अपने ग्लव्स पहनते हैं अपना गाउन पहनते हैं और बहुत ही सुपोप तरीके से जो है ये ऑपरेशन करते हैं और सबको हैरान कर देते हैं सरप्राइज कर देते हैं तो बेसिकली जब, जब जब जो है वॉल्टर मिट्टी अपने आप को इमेजिन कर रहा है एक परफेक्शनिस्ट पर्सन की तौर पे परफेक्शनिस्ट कमांडर एक बहुत ही परफेक्ट हस्बैंड देन अ परफेक्ट डॉक्टर और फिर एडवेंचर इन द मार्केट जहाँ पे वो देखता है कि वो गलियों में ऐसी गाड़ी को अपनी को घुमा रहा है और बिना मकसद बेसलेस ड्राइविंग से वो बहुत थक चुका है वो अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं करता तो पार्किंग लॉट में जो एक पुलिस ऑफिसर होता है वो उसकी हेल्प के लिए आता है उसकी गाड़ी में बैठता है और उसकी गाड़ी जो है अच्छे तरीके से खड़ी कर देता है उसे देन जो है उसे ख्याल आता है इस सबके दौरान उसे याद आता है कि किस तरह एक दफा बर्फ पे चलने वाली जो एक हेल्पिंग कॉर्ड्स होती हैं जो जंजीरें होती हैं उनको उसे अलहदा करना पड़ा था और वो ऐसा नहीं करना कर सका था तो इस तरह उसको ये काम सर अंजाम देने के लिए एक हेल्पर के पास जाना पड़ा था और ये सारा काम उसने अपनी बीवी के कहने पे किया था अपनी इस इनफिशेंसी को और इस इनबिलिटी को छुपाने के लिए ही डिसाइडेड दैट वो अपने जो राइट right उसका आर्म है दायां बाजू है उसको गर्दन के साथ किसी चीज़ से बांध देगा और लोग ये समझेंगे द पीपल वुड कंसिडर दैट हिज राइट आर्म इज इन एफिशेंट और इन नॉट इन वर्किंग उसकी जो बाजू है वो काम नहीं कर रही है और लोग उसे यही ख्याल करेंगे कि कुदरती तौर पर वो जंजीरों को इलादा नहीं कर सका था कि ये जो ट्रिक है ये बहुत वंडरफुल काम सर अंजाम देगी और दे वुड कंसिडर हिम इन कॉम्पिटेंट फॉर टेकिंग द चेंज ऑफ द देन जो है वो अपने आप को देखता है कि वो एक दलदल में है और वहाँ साइड वॉल में कर रहा है बात चल रहा है ओवर शूज ही सेट टू हिमसेल्फ एंड ही बिगेन लुकिंग फॉर अ शू स्टोर अचानक से उसे याद आता है कि उसने ओवर शूज लेने हैं जो आम जूतों के ऊपर चमड़े के जूते पहने जाते हैं और फिर वो चला जाता है और कहता है मुझे क्या क्या खरीदना है जो मेरी बीवी ने मुझे कहा था कि लेना है फिर उसे याद आता है कि रेजर ब्लेड खरीदने हैं टूथपेस्ट टूथब्रश और इस तरह से ही थॉट ऑफ प्रोजेसिंग इंडिपेंडेंट पार ऑफ डिसीजन विच ही डि नॉट हैव उसने सोचा कि उसके पास जो पावर ऑफ डिसीजन है उसके पास अपनी होनी चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही हैज नॉट गॉट द पावर ऑफ डिसीजन ही thought दैट his वाइफ वुड once अगेन फाइंड फॉल्ट विद हिम दैट ही डिड नॉट ब्रिंग दिस थिंग और दैट फिर उसे याद आता है कि उसकी बीवी तो बहुत ज़्यादा कीड़े निकालेगी कि वो ये चीज़ लाया है और ये चीज़ नहीं लाया है यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल जो है इंडिकेशन की गई है बाय द राइटर कि उसे लगता है या वो सोचता है कि उसके पास पावर ऑफ डिसीजन होनी चाहिए लेकिन उसके पास वो नहीं है और ही इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन हिज़ वाइफ उसकी वाइफ उसको क्रिटिसाइज़ करती है उसको लीड करती है वो वो खरीदता है जो उसे ऑर्डर करती है और एक रशी लाइफ और एक ऐसी ऑप्सैस्ड लाइफ जो है उसको शो करता है एज अ हजबेंड के रोल में कि किस तरह जो आजकल मैरिड लाइफ है या जो म्यूचुअल कॉपरेशन होता है मियाँ बीवी के दरमियान वो नापैद है और एक लीडिंग और सर्वेंट वाला रोल जो है वो रह गया है कामन नंबर फाइव हेयर वी सी कि ही सीज हिमसेल्फ इन द कोर्ट विल ही वेयर ही इज गोइंग थ्रू अ ट्रायल जहाँ पे वो ए, अपने आप को एक मर्डरर एक किलर के तौर पे देखता है और वो देखता है कि उसे एक जज के सामने खड़ा हुआ है और उसे वकील जो है लॉयर एक ऑटोमेटिक गन दिखाता है कि ये जो है आपने देखी हुई है मिट्टी जो है फौरन गन को उठाता है और बहुत ही स्किलफुल वे में कहता है कि ये गन तो उसकी है और जो प्रोसिक्यूटर होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो कहता है कि ये मुलजम जो है हर किस्म के असलहे को चलाने का माहिर है मिट्टी का वकील इस बात पे ऑब्जेक्शन कहता है और वो कहता है कि इसका मौकल जो है वो किसी किस्म का इसलह इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इसका दाया जो बाजू है वो जख्मी है और इसने इस, इस डेट को अपने बाजू को बांध रखा था लाइक के उसका लॉयर जो है उस बात की तरफ रेफरेंस करता है लेकिन मिट्टी कहता है कि नहीं वो ये जो है गन बहुत अच्छे से चिला सकता है मिट्टी इस बात को ऑब्जेक्ट करता है ऑब्वियसली वो कहता है कि वो कत्ल कर सकता है और उसने ये चिल्लाई चलाई है बंदूक फिर कमरा अदालत में एक औरत चीख मारती है और फौरन से जो है मिट्टी की बाजू पे आके गिरती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर बहुत ही वाशियाना अंदाज में उसे डंडा मारता है मिट्टी ने रिएक्शन के तौर पर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसकी थोड़ी पे निशान लगाया और जो डंडा जो है उसे रसीद किया और गाली दे के कहा कि आप तो काम सही नहीं करते हैं फिर वो कोर्ट से बाहर आ गया गली में आया और उसने ऊंची आवाज़ में कहा कि पपी बिस्किट फॉर पपी एक औरत वहाँ से गुजर रही थी वो इस बात पर हंस पड़ी और मिट्टी तेज़ तेज चलता जो है एक स्टोर पर चला गया और कुत्तों के लिए बिस्किट मांगने लगा देन हम देखते हैं कि वो अपने आप को एक कैप्टन की सूरत में देखता है जो जंग का टाइम है और जल्दी जल्दी इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स दे रहा है और आ, वो यहाँ पे शराब पीते हुए भी खुद को देखता है और वो बताता है कि दुश्मन जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उन्होंने इसका मुकाबला करना है फिर वो ड्यूरिंग ड्रिंकिंग वो कहता है कि जिंदगी जो है वो एक बार मिलती है यहाँ पे बहुत ही डीप मीनिंग्स है इसके कि, कि इफ़ यू गेट लाइफ फॉर वंस और अगर जिंदगी एक दफ़ा मिलती है तो यहाँ पे उसकी अनकम्पलीट या इनकम्प्लीट जो उसके टास्क रह गए उसकी विशेज हैं अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं उसको भी शो करती हैं कि किस तरह लाइफ बहुत शॉर्ट है और एक ही दफा मिलती है लेकिन इंसान जो है वो बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता कैप्टन मिट्टी ने दुश्मन पर अपनी जो उसकी कैंप है उसमें से फायरिंग की है बंदूकों की गोलाबारी हर तरफ से जा रही है और बीच में जो वो आवाज एक शुरू में जिक्र किया किया था पॉकेटा पॉकेटा वो बार बार होती है फिर फौरन ही कैप्टन मिट्टी जो है अपने ख्वाब से जाग उठता है और फिर हमें लास्ट सीन दिखाया गया है कि उसकी बीवी जो है अचानक आ जाती है होटल से नमोदार होती है और वो मिट्टी को कहती है कि मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढती रही हूँ मुझे पता नहीं था कि तुम तो मुझे यहाँ मिलोगे वो उससे फौरन पूछती है कि आपने शूज़ खरीद लिए हैं बिस्किट खरीद लिए हैं और उसे लगता है कि मिट्टी जो है उसे टेम्परेचर है बुखार है वो कहती है फ़ौर मैं तुम्हारा घर जाके टेम्परेचर नोट करूंगी वो दोनों दरवाजों से बाहर निकलते हैं और एक ड्रग स्टोर पर मिट्टी वहाँ जाके कहता है कि अपनी बीवी को कहता है वो एक मिनट के लिए ठहरे क्योंकि उससे कोई चीज़ याद आ गई है जो वो भूल गया है कि कैप्टन मिटी जो हैं अपने ख्वाब से जाग उठते हैं एंड द स्टोरी इज़ मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट सीन दैट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसकी वाइफ जो है उसे यहाँ पे ढूंढते हुए आती है और वॉल्टर मिटी जो है एक स्टोर में जाते हैं तो वहाँ जो है उसने सिगरेट जलाई तो उसे याद आया कि उसके पास हैंकर चेफ़ नहीं है उसने ही अकर्स देंकर चेफ़ और सिगरेट का आखिरी कश लगाकर उसे भी फेंक दिया

किसी ऐस, कोई भी चीज़ से शिकस्त नहीं खा सकता था वॉज अनडिफीटेड टू द लास्ट यानी कि वो ऐसा शक्त था शख्स था जिसे कोई चीज भी हरा नहीं सकती थी तो ये तो है एक्चुअल लेसन uh, जो हमने पढ़ा है या लेसन के जो सीन्स हैं और जिस तरह वे खुद को इमेजिन करता है लास्ट सीन इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग है जहाँ पे बताया जाता है कि उसकी लाइफ जो है दैट इज़ अनडिफिटेबल बिकॉज वो इमेजिन करता जाता है करता जाता है और कोई उसको उसकी तस्वूरत में नहीं हरा सकता है ओके okay. तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअल सीक्रेट ऑफ मिटीज़ लाइफ कि वो क्यों ऐसे इमेजिन करता है द वेरी फर्स्ट रीजन इज़ दैट अ मिडिल क्लास पर्सन व्हेन कैन नॉट गेट द थिंग्स इन रियल लाइफ जब उसे रियल लाइफ में वो चीज़ें वो सुकून वो डिज़ायर्स वो ख्वाहिशात वो उसकी अचीव अचीवमेंट्स वो उसी गोल नज़र नहीं आते तो डैट रिज़ॉर्ट इन टू इमेजिनेशनस दैट रिज़ॉर्ट इन टू ड्रीम्स वो फिर ख्वाबों और ख़्वाहिशों की दुनिया में चला जाता है और वो इमेजिन करता है कि वो इस तरह एक परफेक्ट डॉक्टर है कैप्टन है कमांडर है और वो परफेक्ट सिचुएशंस को इमेजिन करता है इसकी सेकंड रीज़न ये हो सकती है कि आप अपनी रियल लाइफ में उन चीज़ों को अचीव नहीं कर सके हैं या अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सके हैं तो अब आप चाहते हैं कि मैं उनको अच्छे से बहुत परफॉर्म करता लेकिन आपकी जो हालात हैं जो कंडीशंस हैं जो आपकी लाइफ है दे कांट परमिट यू टू डू दीज थिंग्स तो फिर आप क्या करते हैं आप इमेजिन करते हैं कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं थर्डली ये जो रश ऑफ लाइफ है और हस्बैंड वाइफ की मैरिटल लाइफ है इसने भी बहुत ज्यादा लाइक डिस्टर्बेंस और टेंशन क्रिएट कर दी है कि ये इतना ब्यूटीफुल रिलेशन है वेयर टू पीपल कम मीट अंडरस्टैंड ईच अदर एंड पेंट द कलर्स ऑफ लाइफ वेरी ब्यूटिफुल बट द मेरिड लाइफ इज जस्ट सर्कलिंग अराउंड दीज हाउस होल्ड थिंग नेसेसरी थिंग्स किचनेट थिंग्स एंड ऑल दीज थिंग तो ऐसे ही लगता है कि शायद वाइफ का काम ही सिर्फ एक लिस्ट बना के देना है और हस्बैंड ने शॉपिंग करनी है और वापस आना है और फिर बीवी ने कहना है ये चीज़ नहीं है ये चीज़ नहीं है ये चीज़ नहीं है तो वहाँ पे वो समझता है कि उसके अंदर पावर ऑफ डिसीजन होनी चाहिए उसे पता होना चाहिए कि उसने क्या करना है और कैसे लाइफ स्पेंड करनी है लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है तो इसीलिए वो एक इमेजिनेशन वाली दुनिया में चला जाता है फोर्थली ये लाइफ जो है बहुत टेंशन वाली एज है एवरी वन इज़ इन टेंशन लाइक हमारी लाइफ का ये तो सेकेंड वर्ड बन चुका है टेंशन ये नहीं हो रहा मुझे बहुत टेंशन हो रही है ये नहीं हो रहा मुझे बहुत टेंशन हो रही है लाइक like हम हर वक्त ही इसे यूज़ कर रहे हैं और इसके में से गुजर रहे हैं डायल से तो उस टेंशन ने डिस्टर्बेंस ने और कन्फ्यूजन ने इंसान को ख्वाहिशात और उस चीज़ों को आदि बना के जब वो नहीं पूरी हो रही तो इमेजिनेशंस और ड्रीम्स में धकेल दिया है कि वो उधर जाए और सोचे और अच्छा अच्छा करे। फिफ्थली ये बहुत इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है मैकेनिकल लाइफ है यहाँ इंसान को सोचने का भी वक्त नहीं मिल रहा है कि मुझे क्या करना है और कहाँ आगे जाना है तो इस सब की वजह से भी इंसान जो है इस चीज़ का शिकार हो गया है